मध्य प्रदेश कांग्रेस पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ 2023 में आगामी चुनावों की तैयारी में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी उन नेताओं पर भी पूरा फोकस बनाकर रखी है जिन नेताओं की रिपोर्ट कार्ड 2018 में अच्छा था और वे निर्दलीय थे। कांग्रेस पार्टी की तैयारी को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर कांग्रेस पार्टी चलती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 230 सीटों पर 4 महीने पहले ही सर्वे करा चुकी है। अब पार्टी सभी सीटों पर जातीय समीकरणों की मैपिंग कराएगी जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस यह भी पता लगाएगी कि विभिन्न जातियों के नेताओं का किस पार्टी के साथ जुड़ाव है और उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास कांग्रेस करेगी। बहरहाल बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जातीय वोट को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही पार्टी अच्छे खासे वोट टटोलने में लगी है। दोनों पार्टी अलग अलग जातियों के महापुरुषों और प्रमुख हस्तियों से जुड़ाव के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन करवा रही है जिससे समाज को साधने में मदद मिल सकेगी।